दोस्तों, आपने 313 मरतबा ये सिर्फ छोटा सा वजीफ़ा पढ़ना है। इसके बाद आपने कमाल देखना है कि किस तरह से आपका महबूब तड़पता है। महबूब हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत करेगा। वो भीख, जिस तरह कोई भीख मांगता है, इस तरह आपकी मिन्नत समाजत करेगा। भीख मांगने पर मजबूर करने वाला मोहब्बत का ये वजीफ़ा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा आप दोस्तों को हंसता और मुस्कुराता रखे। अपने चैनल एजुस्टेशन उर्दू इन्फो में तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज अपने चैनल एजुस्टेशन उर्दू इन्फो पर जो मैं ख़ास अमल आपको बताऊँगा, ये वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसको 313 मरतबा पढ़ा जाता है। अब किस तरह पढ़ना है, क्या इसमें करना है, क्या तरीक़ाकार है, इसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है, वरना आप अमल में कामयाब नहीं होंगे। इस अमल को क्योंकि ख़ास तरीके से किया जाता है, महबूब मिन्नत समाजत करता है आपके पास आके कि उसकी मोहब्बत कबूल की जाए। मोहब्बत की अगर किसी इंसान से भीख मंगवाना चाहते हैं, कोई आपसे कहे कि आप उससे मोहब्बत करें, आप उसे चाहें, उसकी तरफ मायल हों, तो ये अमल आपने एक दफ़ा ज़रूर करना है। जो लोग चाहते हैं कि दूसरा इंसान उनके कदमों में अपना दिल रख दे और वो उनसे ख़ुद कहे कि वो उनसे मोहब्बत का इकरार चाहता है और ये ख़ुद भी वो इकरार करे कि उनके अलावा वो किसी और को नहीं चाहता, तो आपने एक दफ़ा ये अमल ज़रूर आज़माना है। जिस तरीके से बताया जाए, अगर आप इंशाअल्लाह ताला उस तरीके से इस अमल को करेंगे, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और जो लोग शादी करना चाहते हैं किसी भी ख़ास इंसान से और वो चाहते हैं कि वो उनसे निकाह करे, उनकी तरफ मायल हो और बेचैन होकर ख़ुद रिश्ता ले कर आए, तो वो लोग भी ये अमल कर सकते हैं। जिन लोगों के रिश्तों में रुकावटें होती हैं और उनकी बात बन नहीं पा रही होती, उनके लिए ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है, बहुत मुजरब वजीफ़ा है, जिसको आपने एक दफ़ा आजमाना है और कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। आपको फ़ायदा हो या ना हो, आपने दोनों सूरतों में बता देना है, ताकि जो नए आने वाले लोग होते हैं उनमें आसानी हो जाती है, क्योंकि उनके लिए कौन सा अमल बेहतर है और कौन सा अमल बेहतर नहीं है। कमेंट्स पढ़ते हैं, आप कमेंट्स ज़रूर पढ़ा करें अमल शुरू करने से पहले। जो दोस्त इस अमल को करना चाहते हैं, उनको मुझसे इस अमल की इजाज़त लेनी होगी। इस अमल की इजाज़त के लिए सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, फिर आपने वीडियो को पूरा देखना है, काट कर स्किप करके, या फिर अगर आप इसको फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आपका ये अमल बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली दफ़ा आए हैं, या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, आप दोस्तों को इस अमल की इजाज़त मिल जाएगी। तो आइए फिर बढ़ते हैं हमारे आज के इस अमल की जान। दोस्तों, अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला के कलाम में बहुत ज़्यादा ताकत और बरकत है। इंसान की नीयत अच्छी हो और मकसद नेक हो और वो जानता हो कि अगर मैं फ़लाँ आयत को अपने फ़लाने मसले के लिए पढ़ता हूँ और इतनी तादाद में पढ़ता हूँ, तो अल्लाह ताला की ऐसा ही फजल और ऐसी बरकत होती है कि अगर कोई इंसान छोड़ कर चला गया है तो वो लौट कर आता है। अगर आपने किसी भी इंसान का दिल नरम करना हो और अपनी तरफ मायल करना हो, तो वो भी अल्लाह ताला के फजल से होता है। और अगर बीमारी आ गई हो तो अल्लाह ताला ऐसा फजल करता है कि शफा मिल जाती है। अल्लाह ताला के कलाम में बेहद बहुत ज़्यादा बरकत है। तो आज आपको जो वजीफ़ा मैं बताऊँगा, अगर अल्लाह ताला के फजल से समझकर आप इसको कर लेते हैं और बताए गए तरीके के मुताबिक कर लेते हैं, तो ये ऐसा अमल करता है, ऐसा असर करता है कि जो दो रूहें होती हैं वो आपस में यकजान हो जाती हैं, जैसे दो रूहों का मिलाप हो जाए और उनको कोई भी जुदा ना कर पाए। इस तरह के मामलात अल्लाह ताला के फजल से बन जाते हैं। मायूसी में कोई अमल ना किया करें। यहाँ पर ये बात मैं बिल्कुल वाज़ह कर दूँ, मायूसी में बहुत सारे लोग बहुत सारे अमलियात करते हैं। मायूस होना गुनाह है। जब मायूसी को गुनाह कह दिया गया है तो फिर आपने ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करने। ये काम आप फिर बिल्कुल भी ना किया करें। अल्लाह पर यकीन और तवक्कल रख कर करेंगे। अल्लाह की ज़ात पर यकीन रख कर अमल करें। जब मायूसी हो तो फिर खुदा भी कुछ नहीं करता। पूरे यकीन के साथ अगर आप अमल करेंगे तो अल्लाह ताला के फजलो करम से आप खुद अपना असर अपनी आँखों से इसका असर देखेंगे। आप खुद देखेंगे कि दूसरा इंसान किस तरह से खुद तब्दील होता है, किस तरह आपकी तरफ मायल होता है, किस तरह अपने कदमों में अपना दिल रखता है और वो खुद आपसे इकरार करता है कि आपसे वो मोहब्बत करता है। अब अमल किस तरह से किया जाए, इस अमल को करने का ख़ास तरीका है। तो अमल करने का दोस्तों तरीका यही है कि सबसे पहले शुरू में आपने दरूद पाक पढ़ना है और कम से कम एक दफ़ा इसको लाजमी पढ़। उसके बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस तरह आपने इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ 313 मरतबा पढ़ना है। 313 बार पढ़ने के बाद आपने अपने हाथ उठा लेने हैं और जैसे दुआ की जाती है उस इंसान के लिए, उस इंसान का आपने नाम लेना है और दुआ करनी है कि वो आपकी तरफ मायल हो और उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो और वो खुद आकर इकरार करे। तो इसका तरीक़ाकार है ये 313 बार की जो तादाद है ना, ये आपने पहले 33 मरतबा पढ़ना है, फिर आपने हाथ उठाकर दुआ करनी है, फिर आपने दोबारा 33 मरतबा इसको पढ़ना है, फिर आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं। तो इस तरह दोस्तों ये अमल जो है ये 9 दफ़ा किया जाता है, 33-33 दफ़ा, चाहे कॉपी पर भी लिखते जाएं। तो इस तरह से आपने 33-33 दफ़ा पढ़ना है और हर दफ़ा आपने दुआ करनी, हाथ उठाकर दुआ करनी। तन्हाई में बैठकर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और दो इंसानों को कोई भी दुनिया की ताकत जुदा नहीं कर पाएगी। अल्लाह ताला के फजलो करम से तन्हाई में बैठ कर करने से ही इसका फ़ायदा मिलता है। अगर इस दरमियान जब आप अमल कर रहे हों तो कोई आ जाए, बातचीत शुरू कर दें आप किसी और से, या फिर उठ के कहीं और चले जाएं। एक निशिस्त में आपने ये अमल करना है। जब आप अमल ये कर रहे हैं तो बेहतर है कि मोबाइल वगैरह बंद करके रखा जाए, तन्हाई में बैठकर इस अमल को किया जाए। इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा और अगर फ़ायदा हो तो अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र अदा करना कभी भी ना भूलें। दवाओं में ज़रूर याद रखना है और इजाज़त के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो दोस्त इस अमल को करना चाहते हैं, जैसे इजाज़त का तरीक़ाकार मैंने बता दिया है, वैसे इजाज़त लेकर इस अमल को कर लें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मुझे अब इजाज़त दें। दोबारा ऐसे ही नए अमल के साथ आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह तमाम दोस्तों का निगहबान। वालेकुम अस्सलाम।